हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का है हमारा चैप्टर 15, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का कुछ पार्ट्स हमने पढ़ लिया था। इसका जो इंट्रोडक्शन है, नॉर्मली इंट्रोडक्शन, उसको हमने देख लिया था। अब हम इसको आगे देखते हैं, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। क्रॉप यील्ड को इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मैच, मिलेट्स एंड सोरगम्स प्रोवाइडेड अस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। क्या होता है, जो सीरियल्स होते हैं जैसे अनाज, गेहूं, चावल्स, मक्का, ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं और ये हमारी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। रिक्वायरमेंट एनर्जी मतलब एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। पल्स लाइक ग्राम, पी, मटर, ब्लैक ग्राम, उड़द, ग्रीन ग्राम, मूंग, पीजन पी, अरहर, लेंटिल, मशरूम प्रोवाइड अस द प्रोटीन। मतलब जितनी भी पल्स होती है, दालें होती हैं, ये क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटीन प्रदान करती है। जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये सब क्या करती है, प्रोटीन प्रदान करती है। उसके बाद क्या, एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, सीसम, कस्टर्ड, मस्टर्ड, लिसनिड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड द नेसेसरी फैट्स। मतलब जितने भी ऑयल होते हैं, फैट्स होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फैट प्रदान करते हैं। वेजिटेबल्स स्पीसीज एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। क्या, जो वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी मिनरल्स की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, उसको पूरा करते हैं। इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इन एडिशन टू दिस फूड क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स लाइक बरसीम, ओट्स, सूडन ग्रेस आर रेस्ट फूड फॉर द लीवर स्टॉक्स। क्या करते हैं कि जो फोडर क्रॉप्स होते हैं, फोडर क्रॉप्स क्या होती है, जो एनिमल्स के लिए उगाई जाती है, मतलब जानवरों के लिए उगाई जाने वाली फसल को बोलते हैं यहाँ पर फोडर क्रॉप्स। अब फोडर क्रॉप्स में क्या दे रखा है, यहाँ पर बरसीम, ओट्स, सूडन ग्रास, रेस्ट फॉर द लाइव स्टॉक, ये सब क्या है, हमारा फोडर क्रॉप्स मतलब एनिमल्स के लिए उगाई जाने वाली फसल। इसको आगे देखते हैं, ये वाले जो डायग्राम में यहाँ पर दिखे हैं, देखो ये सनफ्लावर दे रखा है, मटर दे रखा है, ये सब क्या है, हमारे डिफरेंस टाइप के क्रॉप्स होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की फसल होती है। देखो यहाँ पर जो दे रखा है, मैज दे रखा है, यहाँ पर मटर दे रखा है, यहाँ पर चने दे रखे हैं, ये सब क्या है, हमारे डिफरेंस टाइप्स ऑफ क्रॉप है। इस प्रकार यहाँ पर हम सभी को देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, डिफरेंस क्रॉप रिक्वायरमेंट, क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड्स फॉर ग्रोथ एंड कॉम्प्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंड ऑन द सनलाइट, एज वेल एज नॉन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयर आर सम क्रॉप्स व्हिच आर ग्रो इन रेनी सीजन। क्या करते हैं कि जो डिफरेंस क्रॉप्स होती हैं, डिफरेंस क्रॉप्स के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंस क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, डिफरेंस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, डिफरेंस फोटो पीरियड्स की ज़रूरत होती है, ये सब क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। मतलब कोई भी क्रॉप्स होती है उसकी ग्रोथ के लिए क्लाइमेट अलग होना चाहिए, टेम्परेचर अलग, फोटो पीरियड अलग, तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। तथा कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो रेनी सीजन में ग्रोथ करती है। देखो ये यहाँ पर दे रखा, देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोथ इन रेनी सीजन, मतलब कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो रेनी सीजन मतलब वर्षा के सीजन में ग्रोथ करती है। तो इस प्रकार की जो फसल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, द खरीफ सीजन फ्रॉम द मंथ टू जून टू अक्टूबर, एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोथ इन विंटर सीजन कॉल्ड द रबी सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। पैडी, सोयाबीन, पीजन पी, मैच, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम खरीफ क्रॉप्स, वेयर व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसेड एंड रबी फसल्स। क्या करते हैं यहाँ पर कि कुछ फसल ऐसी होती है जो कि रेनी सीजन मतलब वर्षा के सीजन में ग्रोथ करती है, तो इस प्रकार की फसल को हमने यहाँ पर क्या बोला, खरीफ फसल। और ये ग्रोथ कब करती है, इसमें जून टू अक्टूबर में ग्रोथ करती है। उसके बाद क्या दे रखा है कि कुछ फसल ऐसी होती है जो कि विंटर सीजन में ग्रोथ करती है।
तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रबी फसल। रबी फसल कब आती है? हमारा नवंबर टू अप्रैल में ये फसल ग्रोथ करती है। अब यहाँ पर इनके एग्जांपल भी दे रखे हैं। अब रबी और खरीफ फसल, इन दोनों के बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ये एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है और इसके कुछ एग्जांपल भी आप लोग देख लें, इस पर एक क्वेश्चन आप खुद से तैयार कर सकते हैं। अब इसको आगे देखते हैं हम, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट्स। इसका अगला टॉपिक है हमारा क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वेराइटी दैट गिव गुड यील्ड्स। वेराइटीज और स्टेंस स्ट्रेंथ्स फॉर क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाई ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज रेसिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड्स। वन वे इंटरपोलेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर इंटू क्रॉप वेराइटी बाई हाइब्रिडाइजेशन। क्या करते हैं क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, मतलब वेराइटी को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाता है? तो ऐसी फसल, हमें फसल की एक ऐसी वेराइटी ढूंढना चाहिए जिसमें क्या होता है ग्रोथ अच्छी मिल जाए। हम लोगों को ऐसा बीज लेना चाहिए जिससे कि क्या होता है बीज एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वह हर बीमारी से लड़ सके। उसमें ये फर्टिलाइजेशन की क्षमता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के उर्वरक को डाले तो उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, ये सब इसमें होना चाहिए। तथा क्या होता है जो प्रॉपर ड्यूरेशन होता है वो भी अच्छा होना चाहिए। और सब में इसमें क्या होता है हम सीड को देखकर ही बोना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। यह हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक होता है। इस पर भी आप एक नोट्स कंप्लीट करें, एक क्वेश्चन आप अच्छे से करें। हाइब्रिडाइजेशन वह होता है जो एक प्लांट, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ, ये एक हमारा ए प्लांट है और एक प्लांट बी है। अगर हम इन दोनों प्लांट में इंटरक्रॉसिंग करवा देते हैं, क्या करते हैं इन दोनों में इंटरक्रॉसिंग करवाए जाए, तो दोनों प्लांट के जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं, इसके जो न्यू कैरेक्टर होते हैं और इसके भी न्यू कैरेक्टर होते हैं, ये दोनों मिलाकर एक प्लांट, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं, इस प्रकार का जो इंटरक्रॉसिंग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन रिफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या करते हैं कि अनोदर वे में हमने यह जीन को इंट्रोड्यूस किया है। क्या किया, यहाँ पर किसी भी जीन को इंट्रोड्यूस किया। अब जीन में क्या होता है, जैसे कि एक प्लांट है, अब उसको हमको बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, उसमें प्लांट को बड़ा करने के लिए उसमें हम जीन डाल देते हैं, जो बड़ा करने वाला जीन्स होता है उसको हम डाल देते हैं। तो क्या होता है इसमें, वह क्या करता है, जो प्लांट्स होते हैं वह जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रॉप्स होती है, प्लांट्स होते हैं, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। आए इतना समझ में? अब हम इसको आगे देखते हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वीदर, सोइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सिंस वीदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन आर अनप्रेडिक्टेबली वेराइटीज दैट ग्रोथ इन क्लाइमेट कंडीशन, मतलब जितनी भी फसल्स की ग्रोथ होती है वो क्या करती है, हमारी जो क्लाइमेट कंडीशन होती है उस पर डिपेंड करती है। जो क्लाइमेट कंडीशन होता है बहुत यूज़फुल होता है, हमारी जितनी भी वैरायटी होती है उसके लिए क्लाइमेट कंडीशन यूज़फुल होता है। अब हम इसके कुछ फैक्टर्स देखते हैं, इस फैक्टर्स को हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।